हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन डेवलपर। पिछली दो वीडियो पार्ट में इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के बारे में डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो पर बाकी जितने भी सारे इनपुट डिवाइस बचा सभी इनपुट डिवाइस को मैं डिस्कस करूंगा। ये है सभी इनपुट डिवाइस का लिस्ट। कीबोर्ड हमारा हो गया था और माउस भी पिछली वीडियो पार्ट डिस्कस किए थे। अभी किसके बारी आती है, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज होता है गेम खेलने के लिए। क्या? यूज टू प्ले गेम। जॉयस्टिक का यूज होता है गेम खेलने के लिए। यह है हमारा जॉयस्टिक। यह भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या? माउस की तरह जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज होता है गेम खेलने के लिए। हमारा कीबोर्ड और माउस हो गया था, जॉयस्टिक भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस के बात करेंगे वो है लाइट पेन। लाइट पेन एक प्रकार इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल स्क्रीन या डिस्प्ले के ऊपर ड्रॉ या लिखने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आता है वो है स्कैनर। इसका यूज हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। कैसे होता है? सपोज मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर डालना है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्कैनर में उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करूंगा। स्कैन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट कौन सा इनपुट डिवाइस आता है, वो है माइक्रोफोन। यूज फॉर ऑडियो इनपुट। इसका यूज होता है ऑडियो इनपुट करने के लिए। माइक्रोफोन का यूज ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा इनपुट डिवाइस आता है, वो है UMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यूज टू रीड UMR एंसर शीट। इसका यूज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है। इस तरह का कुछ एंसर शीट होता है, इसमें पेंसिल या पेन की मार्क को रीड करना UMR का कार्य होता है। UMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद कौन सा इनपुट डिवाइस आता है, इसके बाद नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आता है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज बैंक में चेक वेरिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। यूज फॉर चेक वेरिफिकेशन। एक चेक के अंदर मैग्नेटिक इंक से लिखी गई नॉर्म का कैरेक्टर होता है, उसे पढ़ने के लिए MICR का यूज होता है। मुख्य रूप से मैग्नेटिक इंक से लिखी गई वर्ड को पढ़ने के लिए MICR का यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आता है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट वेरिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। यूज फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट एंट्री। क्या? इसका इस्तेमाल टेक्स्ट वेरिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार गवर्नमेंट पेपर, बॉन्ड पेपर वेरीफाई करने के लिए OCR का यूज होता है। OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट कौन सा इनपुट डिवाइस आता है, वो है BCR, बार कोड रीडर। इसका नाम से स्पष्ट हो जाता है कि बार कोड को रीड करने के लिए BCR का यूज होता है। BCR का फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर। ये हमारा इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया है। पूरा चार वीडियो पार्ट में मैंने पूरा इनपुट डिवाइस को कंप्लीट किया है। जैसे कि पहले वीडियो पार्ट में मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैंने कीबोर्ड के बारे में बताया था। कीबोर्ड के बाद जो इनपुट डिवाइस की वीडियो पार्ट में मैंने माउस के बारे में बताया था। इस वीडियो पार्ट में बाकी जितने भी सारे इनपुट डिवाइस बचा सभी इनपुट डिवाइस को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैंने आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करूंगा।